समय था जब बड़े बड़े माफियाओं के इशारे पर ही मानो सरकार तक चलती थी। कोई उनके सामने बोलने तक की हिम्मत नहीं रखता था। उनके सताए लोग घुट घुट कर जीने को मजबूर थे या फिर अपना घर छोड़कर वहां से भागने पर। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन जब सीएम योगी सत्ता में आए तब सब कुछ बदल गया। एक तरफ लोगों में उम्मीद जगने लगी न्याय पाने की, तो दूसरी तरफ अपराधियों और माफियाओं की हालत खराब होने लगी, क्योंकि अब इनकी जगह सलाखों के पीछे थी। बड़े बड़े माफिया मिट्टी में मिल गए, कई जेल में बंद रोने को मजबूर हैं। लेकिन इसके बाद भी बुलडोजर बाबा इनको छोड़ने के मूड में नहीं है। जांच एजेंसियों का शिकंजा भी कसता जा रहा है, जिसके बाद इनके परिवार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने लगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी अतीक अहमद के अरबों की संपत्ति पर इनकम टैक्स के एक्शन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गैंगस्टर केस की जांच के दौरान बड़ा खुलासा, अतीक अहमद के संपत्ति पर एक्शन की तैयारी, माफिया अतीक ने बनाई अरबों की संपत्ति, परिवार के खिलाफ होगी टैक्स चोरी की कार्रवाई। आतंक का पराये रहे माफिया अतीक अहमद की किसी जमाने में तूती बोलती थी। जयराम की दुनिया में पकड़ और राजनीतिक रसूख की वजह से हर कोई उससे डरता था। उसकी एक कॉल किसी की भी रातों की नींद उड़ा दी थी। जमीन कब्जा करने से लेकर लूट हत्या रंगदारी तक उसका पेशा था। वो हर काम पुलिस और प्रशासन को चुनौती देकर करता था, लेकिन मजाल कि कोई उसका बाल भी बाका कर पाए। मगर आज उसका काला अतीत पीछा नहीं छोड़ रहा। उसकी हत्या के बाद भी उसका नाम किसी ना किसी मामले में सामने आते ही रहता है। सबसे बड़ी बात, जिन संपत्तियों को उसने अपने बाहुबल के जरिए कब्जाया था, कमजोरों और गरीबों से छीना था, आज वो सब या तो कुर्क हो रही है या फिर उन पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। इतना ही नहीं, अब तो इनकम टैक्स का भी शिकंजा कसने वाला है। स्टोरी में आगे बताएंगे कि अतीक पर बुलडोजर एक्शन की बात, करोड़ों की संपत्ति जब्त की बात। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि इनकम टैक्स की नजर में कैसे आई अतीक अहमद की अरबों की संपत्ति। दरअसल माफिया अतीक अहमद के गैंगस्टर केस की जांच के दौरान नया खुलासा हुआ है। माफिया अतीक पर इनकम टैक्स चोरी का केस भी चलाया जा सकता है। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब प्रयागराज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मामले की जांच के दौरान इनकम टैक्स विभाग से अतीक अहमद के तरफ से दिए जाने वाले टैक्स का विवरण मांगा। इस दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ, क्योंकि अतीक ने साल 2014 में पहली बार 10 लाख रुपए से अधिक का आयकर जमा किया था, जबकि उससे पहले उसने कभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया। 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद जब इनकम टैक्स चोरी करने वालों पर शिकंजा कसा जाने लगा, तो पहली बार माफिया अतीक इनकम टैक्स जमा करना शुरू किया। प्रयागराज की शहर पश्चिमी सीट से 5 बार विधायक और फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए अतीक अहमद ने 2014 से पहले कभी भी इनकम टैक्स जमा नहीं किया। माफिया के रसूख का असर था या उसका डर? कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी उसकी तरफ अपनी निगाहें नहीं फिराई, जबकि साल 2014 तक अतीक अहमद का नाम राजनीति के साथ ही गुंडाई की वजह से देश भर में मशहूर हो चुका था। अतीक और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ ने रियल एस्टेट से लेकर अन्य कारोबार तक में अपनी पकड़ बना ली थी। अतीक के पास लग्जरी विदेशी चार पहिया वाहनों के साथ ही करोड़ों की चल अचल संपत्तियां थी। इसके बावजूद उसने 2014 तक कभी इनकम टैक्स नहीं भरा। बता दें कि प्रयागराज के कैंट थाने की पुलिस माफिया अतीक अहमद के गैंगस्टर एक्ट के मामले की जांच कर रही है। उस केस की तहकीकात के दौरान पुलिस माफिया से जुड़ी अन्य संपत्तियों की जानकारी जुटाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डिटेल्स मांगी थी। पुलिस ने आयकर विभाग से वर्ष 1990 से लेकर 2023 तक का अतीक अहमद का इनकम टैक्स फाइल भरने का विवरण मांगा था, जिसके जरिए पुलिस उसकी संपत्तियों का विवरण जुटाना चाह रही थी। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो विवरण दिया उससे पुलिस भी चौंक गई, क्योंकि अतीक अहमद ने 2014 से पहले कभी इनकम टैक्स नहीं भरा था और आखिरी बार उसने 2018 में इनकम टैक्स भरा था। साल 2014 में जहां अतीक ने 10 लाख से अधिक की रकम आयकर के रूप में जमा की थी, वहीं 2018 में 16 लाख से अधिक की रकम आयकर के रूप में चुकाया था, जो आखिरी बार था।
इसके बाद अतीक अहमद के नाम पर कोई इनकम टैक्स जमा नहीं किया गया। माफिया अतीक अहमद की रसूख के बल पर उसकी तूती केंद्र सरकार तक में पहुंची थी। शायद यही वजह थी कि करोड़ों की कीमत वाली महंगी विदेशी कारों से चलने वाला अतीक इनकम टैक्स नहीं जमा करता, ना ही इनकम टैक्स विभाग उसके यहां छापेमारी की हिम्मत जुटा पाता। जब साल 2014 में केंद्र में सरकार बदली और नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली तो इनकम टैक्स ना देने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया। तब पहली बार अतीक अहमद ने 10 लाख से अधिक का इनकम टैक्स 2014 में जमा किया, जो साल 2018 में बढ़कर 16 लाख को पार कर गया था, जबकि माफिया अतीक अहमद उससे पहले इनकम टैक्स भरता ही नहीं था। बता दें कि अतीक के पास साल 2014 से पहले करोड़ों रुपए की कीमत वाली कारों का काफिला था। इसके साथ ही रियल एस्टेट समेत तमाम तरह के कारोबार में अतीक अहमद की हिस्सेदारी थी। उसके बावजूद उसकी तरफ से साल 2014 तक कभी इनकम टैक्स जमा नहीं किया गया, जिससे पता चलता है कि अतीक इनकम टैक्स ना जमा कर उसकी चोरी करता था। साल 2014 में देश और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद इनकम टैक्स विभाग ने कड़े कदम उठाने शुरू किए, तो अतीक ने पहली बार 2014 में इनकम टैक्स जमा किया, जो 2018 तक जारी रहा। अब इस खुलासे के बाद हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़ी कार्रवाई करे और इसकी जांच के बाद मरे अतीक अहमद और उसके परिवार वालों के खिलाफ इनकम टैक्स चोरी के केस दर्ज कर आगे तगड़ा एक्शन लिया जाए। वहीं एक दिन पहले ही अतीक अहमद पर खबर आई जिसने पूरी तरह से हड़कंप मचा दिया था। यह खबर अतीक अहमद से जुड़ी उस संपत्ति का है जिसे उसने बहुत मन से खरीदा था, जिसे पाने के लिए उसने रात दिन एक कर दिए थे। उसको अपना बनाने के बाद उसने अपने सबसे चहेते हीरो के बंगले का नाम दिया। जी हाँ, हम अतीक के ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 स्थित उस कोठी की बात करें जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुर्क कर दिया है। अब उस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। इस कोठी नंबर 107 की कीमत करीब 3 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। सबसे दिलचस्प इसका नाम है मन्नत, जो कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के मुंबई स्थित बंगले का भी नाम है। कहते हैं कि अतीक अहमद शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन रहा है, इसलिए उसने अपनी सबसे पसंदीदा प्रॉपर्टी का नाम मन्नत रखा। इस कोठी में उसका दिल बसता था। साल 1994 में अतीक अहमद ने अपने बेटों की पढ़ाई के लिए मन्नत को खरीदा था। साल 2015 में उसके बेटे ग्रेटर नोएडा की एक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के लिए आते थे, लेकिन इस कोठी का इस्तेमाल पढ़ाई से ज्यादा गैर कानूनी और आपराधिक गतिविधियों के लिए होने लगा। अतीक जब भी दिल्ली आता तो अपने गुर्गों के साथ यही मीटिंग करता। जमीन से जुड़ी हुई कई डील यहां फाइनल होती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि अपराधियों का अड्डा बन गया। पिछले साल हुए उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद उसका बेटा असद और शूटर गुलाम कानपुर होते हुए ग्रेटर नोएडा स्थित मन्नत कोठी में पहुंचे थे। पुलिस जांच में पता चला था कि यहां कैश छिपाकर रखा गया था, जिसे लेने के लिए वे दोनों आए थे। कुछ देर बाद वहां से फरार हो गए। तो अतीक अहमद की अवैध संपत्ति के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। उसकी अवैध संपत्तियों और गिरोह की काली कमाई पर सरकार और कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। पिछले साल प्रयागराज में स्थित उसके द्वारा कब्जाई गई 16 अवैध संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया था। प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट ने एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के कटहुला गौसपुर में अतीक अहमद की करीब 20 बीघा जमीन गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की थी। इन संपत्तियों की कीमत करीब 12 करोड़ रुपए बताई गई, जिनकी अतीक के गुर्गों ने कौड़ियों के भाव में रजिस्ट्री करा ली थी। इनके बारे में अतीक के एक राजमिस्त्री हुबलाल ने खुलासा किया था। 15 अप्रैल 2023 को अतीक की हत्या होने के बाद वो पूरी तरह से डर गया, लेकिन अब अतीक अहमद की संपत्ति पर इनकम टैक्स की नजर है, जिससे उसकी परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली है और अरबों की संपत्ति पर आईटी का तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीम।